है, कल चुनाव है और एक छोटी सरकार आप हाँसी में बनाने जा रहे हो। आज कुछ अहम मुद्दों को लेके ये प्रेस बुलाई है। सबसे बड़ा मुद्दा आज जो है अग्निपथ। आज पूरे देश के युवाओं को जिसकी उम्र 17.5 साल से 21 साल है, उन बच्चों को इस सरकार ने अग्निपथ पे चलने के लिए मंजूर कर दिया है, मजबूर कर दिया है। मैं तो मानू हूँ कि इस सरकार ने अग्निकुंड बना दिया है। देखो, अहम बात है, बड़ी सोचने की बात है। मैं बुद्धिजीवी लोगों से अपील करूँगा, भाई आप भी इस मुद्दे को उठाओ। कोई किसी का बच्चा 17.5 साल की उम्र में अगर फौज में भर्ती हो गया, 21 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट हो गया 4 साल में, तो मैं पूछना चाहूँ सरकार से कि उसके बाद में उसको कहाँ भेजोगे आप? आपके पास सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है। आप लोगों ने बिजली बोर्ड को प्राइवेटकरण का बीड़ा उठा रखा है, आप लोगों ने रोडवेज को बीड़ा प्राइवेटकरण का बीड़ा उठा रखा है, आप लोगों ने एयरपोर्ट सेल कर दिए हैं, कई कंपनियां सेल कर दी हैं, तो उन लोगों को नौकरी कहाँ दोगे? इस बात से सरकार के इस फैसले पे सवाल या निशान खड़ा होता है। मैं सरकार को एक बात बताना चाहूंगा, मोदी जी को बताना चाहूंगा, खट्टर सरकार को बताना चाहूंगा, दुष्यंत जी को बताना चाहूंगा, ये कानून जो है ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है, बेरोजगारों का मजाक है। 17.5 साल की उम्र से लेके 21 साल तक के बच्चे मैच्योर नहीं होते, और जब वो मैच्योर होंगे तो आप समझो कि उस दिन उसको गोली भी चलानी आएगी, उसको ट्रेनिंग भी मिलेगी आर्मी की, और वो फिर क्या करेगा? या तो 10,000 रुपये में अंबानी अडानी के गोदामों में नौकरी करेगा, या फिर वो लुटेरा बनेगा, लुटेरा। मैं बार बार सरकार को कहना चाहूं, आप लोग इस पॉलिसी के तहत युवाओं को हथियार हाथ में देने लग रहे हो, आप उग्रवाद पैदा करने लग रहे हो। अगर ऐसी कोई घटना घटी तो आप लोग जिम्मेवार है। आज पूरा देश रोडों पे है, आज पूरे युवा सड़कों पे है, जहां भी कोई नुकसान होता है मैं सरकार को जिम्मेवार मानता हूं। अगर कोई ट्रेन जली है सरकार जिम्मेवार है, अगर कोई बसें जली है सरकार जिम्मेवार है। मैं पूछना चाहता हूं इसी सरकार से, क्या उनके माल की आप लोग भरपाई करोगे? आप लोगों ने गलत नियम बनाया, बिना जनता की सलाह मशवरे से नियम बनाया। आप सर्वे आज करवा लो, आज ये कानून गिर जाएगा, फिर आप लोग दोषी क्यों नहीं होते? दोषी सिर्फ वही होते हैं जो पर्चा है, वही दोषी होती है, उसी पे आप लोग कार्रवाई करते हैं। इसीलिए मैं सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, दुष्यंत जी से पूछना चाहूँ, हरियाणा में आगजनी हुई, हरियाणा में सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, हरियाणा में आपकी गोली से, आपकी सरकार की गोली से अगर किसी युवा की जान गई, किसी युवा ने आत्महत्या करी इन कानूनों के कारण, तो आपके ऊपर सीधा मुकदमा चलाया जाएगा, आप लोगों को भी जेल में डाला जाएगा। आज नहीं तो आपकी सरकार बदलने के बाद, मैं साफ आपको बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है, आम आदमी पार्टी बेरोजगारों के साथ खड़ी है, हम लोग बेरोजगारों के साथ खड़े हैं। इसीलिए आज फैसला किया गया है कि इस अग्निपथ पे जो युवा चल रहे हैं हम उनका साथ देंगे, लेकिन मैं युवाओं से भी अपील करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते पर चल के अंग्रेजों को देश से बाहर करने का काम किया है, तो ये दूसरे अंग्रेज हैं, इनको भी हम अहिंसा के रास्ते पर चल के बाहर करने का काम करेंगे। मैं हरियाणा प्रदेश के हिसार डिस्ट्रिक्ट के युवाओं को एक बात कहना चाहूंगा, किसी प्रकार का उपद्रव मत करो, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ। अगर नुकसान पहुंचाना है तो इन बीजेपी जेजेपी वाले नेताओं को अपने घरों में मत बढ़ने दो, अपने गांव में मत घुसने दो, अपने शहरों में मत आने दो। और आज मौका है आपके सामने, मैं तो सभी युवाओं को, चाहे वो शहरी युवा हो चाहे वो ग्रामीण युवा हो, सभी युवाओं से अपील करूंगा कि आज मौका है, 24 घंटे बीच में है, 24 घंटे इलाज करने का समय है आपका, इन सरकारों का। अगर ये नियम गलत है, आप गलत मानते हो, तो मेरी आपसे अपील है, मेरी युवाओं को आह्वान भी है, मेरे बुजुर्गों से भी अपील है कि आप लोग इस चुनाव में इनको सबक सिखाओ, ताकि पता चले। मेरा सवाल है इन नेताओं से, क्या कोई अग्निवीर बनाएगा अपने बच्चे को? मेरा सीधा सवाल है भाई साहब, मैं दूर नहीं जाता, हमारे विधायक विनोद बहाना जी से अपील है मेरी, भाई आपका दो छोरे हैं, कुंसन अग्निवीर बनाओगा के?
एक आदन फौज में भर्ती करा दे, मैं मान लूंगा आप कानून के समर्थक हो, आप बढ़िया आदमी हो। मैं खुला खुला चैलेंज करता हूं, ये विधायक और मंत्री अपने बेटों को तो नहीं भेजते फौज में, 4 साल के लिए अग्निवीर नहीं बनाते? क्या ये प्रजा ही सारी उम्र अग्निवीर बनेगी? क्या इन्हीं बेरोजगारों को ठगा जाएगा? मेरा सवाल सीधा सीधा नेताओं से है कि पहले वो अपने बच्चों को अग्निवीर बनाए, फिर ये कानून हमारे पर लगाए। आज इस कानून को हर हालत में इस सरकार को वापिस लेना पड़ेगा, मेरी खुली चेतावनी है। मैं पूछना चाहूं रणबीर गंगवा जी से, छोरन कदे लगाया फौज में आपने, को भर्ती भर्ती दिखाई है? मैं पूछना चाहूं डॉक्टर कमल गुप्ता जी से, क्या आपने अपने छोरे को फौज की तरफ भेजा है? इन सभी विधायकों को और मंत्रियों को मेरा चैलेंज है, आप अपने बच्चों को 4 साल के लिए अग्निवीर बनाओ और जम्मू कश्मीर में नौकरी कराओ, फिर मानेंगे हम कि ये योजना आपने हमारी भलाई के लिए लगाई है। अमित शाह का लड़का तो देश की सबसे धनी BCCI का अध्यक्ष, और हमारा बच्चा 4 साल के लिए नौकरी, वह भी फौज की, वह भी अग्निवीर का नाम देके। युवाओं के साथ सरेआम ठगी है, सरेआम युवाओं को लूटने का काम किया है। युवा अगर नुकसान करते हैं तो 100% जिम्मेवार सरकार होगी। एक बात तो यही हम आह्वान करते हैं, भाई आज मौका है इलाज करने का। अगर आपको ये योजना गलत लगती है, कानून गलत लगता है, तो मेरे शहरवासियों से भी अपील है, आप नौजवानों का साथ दो, बेरोजगारों का साथ दो और इस सरकार को सबक सिखाने का काम करो। दूसरा, 80 के अंदर चुनाव है नगर पालिका का, नगर परिषद का, यहाँ MC खड़े हैं, चेयरमैन खड़े हैं। मैं अपील करूंगा सभी से कि शांतिपूर्ण आप चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ते ही अगले दिन आप सब भाई हो, साथ में बैठो, जीतने वाले का स्वागत करो। हमारी जो लड़ाई है वो चुनाव तक सीमित है, हमारी पर्सनल किसी के साथ कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, इसलिए आपस में कोई झगड़ा मत करो। किसी के लिए चुनाव ज़्यादा अहम नहीं है, सामाजिक ताने बाने से अहम नहीं है। फिर भी मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि आपके हल्के के विधायक विनोद भ्याणा जी ने इस चुनाव को जीतने के लिए दाव दंड भेद सब लगाए हैं। मैं तो ये भी बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक समाज की मीटिंग बुलाई, खाली एक ही समाज का विधायक आ गया। मेरा CM साहब से भी सीधा सवाल है कि आप जात पात की बात करते हो, आप संवैधानिक पद में बैठे हो, आप 36 जात के CM हो, आपको एक जात की मीटिंग बुला के वो भी चुनाव में, अच्छा नहीं लगता? ये सामाजिक बातें नहीं है। एक तो सामाजिक की बजाय आप संवैधानिक पद पर बैठे हो। मेरा सवाल है विधायक जी से और CM साहब से, आपने संविधान पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो पढ़ लेना। एक CM इस प्रकार किसी व्यक्ति विशेष का, अपनी पार्टी तक का प्रचार नहीं कर सकता, वो एक सभी का है, पूरे प्रदेश का है, हर वर्ग का है, हर जात का है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक कास्ट को बुला के एक रैली करना, उसको संबोधित करना, बाकी जो 35 जात है उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम BJP ने किया है, और BJP ने ये जातवाद का जहर घोल के एक बार फिर साबित कर दिया है कि BJP मंदिर मस्जिद और धर्म और जाति की बात करने वाली पार्टी है, जबकि आम आदमी पार्टी स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क, करप्शन के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है। विकास की बात तो हम करते हैं, ये लोग तो इसी प्रकार चुनाव लड़ते हैं, हम इसी प्रकार चुनाव लड़ते रहेंगे। इसी के साथ हमारे जो प्रत्याशी है यशपाल सैनी जी, आपके सामने 2 शब्द रखेंगे। यशपाल सैनी जी, सभी बंधुओं को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, और आप मेरे कार्यालय में आए इसके लिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है दोस्तों कि कल यानी कि 19 जून को नगर परिषद का चेयरमैन के चुनाव होने निश्चित है। मैं भ्रष्टाचार मुक्त हासी के लिए, सुंदर हासी के लिए, स्वस्थ हासी के लिए, आधुनिक हासी के लिए, कल्पनाओं का शहर हासी के लिए आप लोगों से वोट मांग रहा हूं। अगर मेरे विजन में, मेरी पार्टी की नीतियों में आप विश्वास करते हो और उन नीतियों पर हम चलकर हासी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम करेंगे, 36 बिरादरी के साथ को साथ लेकर हम काम करेंगे। हम बात करते हैं इंसान और इंसानियत की, दूसरे लोग बात करते हैं जाति विशेष की, जो हमारे एजेंडे से बाहर है। हम बात करते हैं स्कूल की, हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की,
हम बात करते हैं बच्चे का भविष्य आगे क्या होगा उनकी। ये दूसरी पार्टियां मजहब की बात करती हैं, मंदिर की बात करती हैं, मस्जिद की बात करती हैं, जो कि बिल्कुल एक अंधविश्वास में धकेलने वाली बात है। इन्होंने देश में फूट डालकर भाई से भाई को लड़ाकर, मजहब के नाम पर लड़ाकर, जाति के नाम पर लड़ाकर लगातार 75 वर्षों से ये सत्ता का सुख भोगते आ रहे हैं। परंतु जनता के हितों के जहाँ तक बात है, इनने जनता से कोई लेना देना नहीं। आने वाले 5 साल के अंदर ये मूर्ख बना के, ये नेता नहीं है लोगों, ये नेता लोग नहीं है, ये अभिनेता है। जैसे पिक्चर चलती है ना 3 घंटे की, ये वो है, उसमें काल्पनिक बातें होती हैं और केवल झूठ परोसा जाता है, वो परोस के लोगों के वोट हथिया लेते हैं। परंतु हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी पहले नीति बनाते हैं, उसके बाद रणनीति बनाते हैं और फिर जनता के सामने रखते हैं। जनता को, शोषित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नीतियां बनाकर उनके हितों का काम करते हैं। और जहां तक बात है मुझे ही वोट क्यों, हम 7 कैंडिडेट हैं चेयरमैन के लिए, मैं ये कहता हूं मुझे ही वोट क्यों, अपने आप से सवाल है मेरा भाई। 7 के अंदर मैं जनता से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, वो तोल ले। यदि मैं पढ़ाई में, लिखाई में, सच्चाई में, ईमानदारी में, जवाबदेही में, दूरदृष्टता में अगर मैं 21 हूँ तो मुझे दें, और मैं 19 हूँ तो मैं उनके कहने से वोट दूंगा। जहाँ तक बात चली सब जनता का मूर्ख बनाने वाली बात है, एक निर्दलीय विधायक, सॉरी निर्दलीय कैंडिडेट 5 दफ़ा सत्ता में आया, लगातार 5 साल सत्ता में चलता रहा, लग गया पार्षद रहा, उसके बाद 2 दफ़ा वो चेयरमैन भी रहा। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ भाई, इन 5 योजनाओं में लगातार 25 सालों में उन द्वारा एक भी काम ये बता दे कि भी मैंने हासी के लिए ये काम किया। चल हासी के लिए छोड़ दो, अपने परिवार के लिए एक काम किया, परिवार भी छोड़ दो, अपने आप के लिए एक भी काम किया तो मुझे बता दे। तो मैं ये सिर्फ ये कहता हूँ, कोई जाति विशेष की बात करता है, कोई धर्म विशेष की बात करता है, मैं तो सिर्फ इंसान और इंसानियत की बात करता हूँ। जात धर्म आदमी की ने अपनी संविधाओं के अनुसार बनाई है, ना कि भगवान ने तो 36 बिरादरी को पहले इंसान बनाया है। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, 36 बिरादरी के बच्चों को एक लाइन में सुला दो, कोई भी धर्म का विद्वान, प्रकांड विद्वान, पंडित, मौलवी, मस्जिद का विद्वान, जितने भी धर्म के ठेकेदार है ना, ये बता दे ये फलाने जाति का, ये ढिकड़ी जाति का, ये फलाने का, तो मैं मान जाऊँगा। भगवान ने तो सिर्फ इंसान और इंसानियत बनाई है, ये तो हमने अपने संविधान अनुसार इस समाज को बांट दिया जो कि आज घातक सिद्ध हो रहा है।